देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना आलिम फाजिल लोग आए होते हैं लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नूपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी हैं मोहम्मद के बारे में कुरान के बारे में इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा, केवल किताबें मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है, कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नूपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदुओं साथ मत दो, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं चाहता क्योंकि मैं तो अकेला जाऊंगा। अगर अकेला नहीं गया तो ये सरकारें हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगी, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।